हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हॉलीवुड मूवीज इनसाइड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 में आई हॉलीवुड मूवी एडम प्रोजेक्ट की, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। कहानी शुरू होती है और हमें सन 2050 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम एडम नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि सिप लेकर भाग रहा होता है। उसके पेट में चोट लगी हुई होती है। इस सिप के पीछे एक सिप और लगा हुआ होता है, जिसमें कमांडर माया होती है। माया की सिप की फायरिंग से उसका सिप डैमेज होने लगता है। माया एडम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह सिप को एक वार्म होल क्रिएट करके उसमें एंटर हो जाता है और वह टाइम में पीछे चला जाता है। अब यह सीन स्विफ्ट होता है और हम सन 2022 को देखते हैं। स्कूल में हम छोटे लड़के एडम को दिखाया जाता है, जो कि अपने क्लासमेट से डर कर भाग रहा होता है। असल में उसको बकबक करने की आदत होती है, साथ ही वह हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता रहता है, इसलिए वह क्लास में हमेशा पिटता रहता है। और वह यहाँ भी दो लड़के रे और चक की मजाक उड़ाने लगता है। इस वजह से रे उसके पेट में एक पंच मारता है, जिससे एडम के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एडम को सांस लेने की भी तकलीफ है, इस वजह से वह हमेशा अपने पास एक इनहेलर रखता है। स्कूल में फाइट करने की वजह से स्कूल में उसकी प्रिंसिपल उसकी मदर एली को बुलाती है और एडम के साथ उन दोनों लड़कों को भी स्कूल से सस्पेंड कर देती है। घर जाते वक्त एडम अपनी मदर को कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह की गलतियों को नहीं करना चाहिए। अब रात में एडम अपने घर पर खेल रहा था, तब उसकी माँ उससे कहती है कि वह अपने पार्टनर डेरिक के साथ डिनर पर जा रही हैं। तभी डेरिक भी आ जाता है और उसकी मदर उसके साथ चली जाती हैं। केली जाते वक्त एडम को कहती हैं कि कोई भी शरारत मत करना। उसके जाने के बाद एडम अपने घर पर वीडियो गेम खेलने लगता है। एडम के डॉग हॉकी को उसके घर पर किसी के होने का एहसास होता है, इस वजह से वह बाहर जाकर पहुँचने लगता है। एडम भी उसके पीछे जाता है और उसे भी किसी के होने का एहसास होता है, इस वजह से वह डर कर अपने घर के गैरेज में जाकर चला जाता है। एडम देखता है कि गैराज में कोई है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं, फ्यूचर वाला एडम है, यानी कि वह टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ गया था। छोटा एडम हाथ में हॉकी स्टिक लेकर पूछता है कि तुम कौन हो। वह फोन लगाकर कॉल करने लगता है, लेकिन बड़ा एडम किसी को भी कॉल करने से मना कर देता है। इसके बाद बड़ा एडम घर में आकर घाव को धोने लगता है। तभी छोटा एडम उसके बैग में से कुछ गैजेट निकाल लेता है। इस पर बड़ा एडम उसे मना करता है और कहता है कि किसी भी चीज को मत छूना। अब वह अपने घाव पर पट्टी करने लगता है। छोटा एडम बार बार उसे सवाल करने लगता है। फिर छोटे एडम को पता चलता है कि बड़ा एडम उसका ही फ्यूचर है, क्योंकि इन दोनों ने एक जैसी ही वॉच पहन रखी थी, जो कि उनके डैड की थी। छोटा एडम यह सुनकर बेहोश होने लगता है। इसके बाद दूसरा एडम उसे संभाल लेता है। इसके बाद बड़ा एडम बताता है कि उसे 2022 में नहीं, बल्कि उसे 2018 में जाना था, उससे टाइम ट्रेवल में गलती हुई। इसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम को अपनी शिप दिखाने ले जाता है, जिससे होकर वह यहाँ आया था। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वह ह्यूमन डीएनए कोड से स्टार्ट होती थी। क्योंकि बड़ा एडम जख्मी था, इसलिए छोटा एडम सिप को ओपन करता है, क्योंकि इन दोनों का डीएनए सेम था। इसको देखकर छोटे एडम के होश उड़ जाते हैं। फिर सिप में आकर बड़ा एडम सिप को ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है। इसके बाद बड़ा एडम गैरेज में आ जाता है और छोटे एडम को घर भेज देता है, जिससे उसकी मॉम को छोटे एडम पर शक ना हो। उसके जाने के बाद बड़ा एडम अपनी वाइफ की फोटो देखने लगता है। तभी एडम की मॉम आ जाती है और उसके साथ डेरिक भी आता है। छोटा एडम फिर से डेरिक की मजाक बनाने लगता है। इसी बीच बड़ा एडम चुपके से अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके टाइम में उसकी मॉम की मौत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह एली ऑफिस जाने लगती है, जहाँ छोटा एडम फिर से अपनी मॉम से अजीब तरीके से बात करने लगता है, जिससे एली गुस्से में ऑफिस चली जाती है। इसके बाद एडम गैरेज में आता है, जहां बड़ा एडम अपने घाव को ठीक करने लगता है। छोटा एडम फिर से बोलना शुरू कर देता है, इस वजह से बड़ा एडम काफी पकने लगता है। एडम को अपनी चोट के लिए कुछ दवाई लेनी थी, इसलिए अपने डैड के कुछ कपड़े पहन लेता है और वह छोटे एडम से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम से अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए, वह तुम्हारी केयर करती है। बड़ा एडम मेडिकल शॉप में जाकर दवाई खरीदने लगता है। इसी बीच छोटे एडम के पास रे और चक फिर से आ जाते हैं और यहाँ छोटा एडम फिर से फालतू की बकबक करने की वजह से फिर से पिटने लगता है। तभी यहाँ बड़ा एडम आता है, जिसे देखकर वह दोनों डर जाते हैं। वह छोटे एडम से कहता है कि तुम्हें हिम्मत से उनसे लड़ना होगा, क्योंकि यह तुम्हें तब तक पीटेंगे जब तक तुम पिटते रहोगे। बड़ा एडम छोटे एडम को कोने में लेकर जाता है और उसका हौसला बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह रे से लड़ने लगता है, रे उसके पेट में पंच मारकर छोटे एडम को गिरा देता है। अब बड़ा एडम रे को पकड़ लेता है और उसको बातों ही बातों में डराने लगता है। उसकी डरावनी धमकी से दोनों भाग जाते हैं। अब घर आने के बाद छोटा एडम गैरेज का दरवाजा नहीं खोलता और गैजेट को देखने लगता है। इसके बाद बड़ा एडम उससे सॉरी बोलने लगता है। छोटा एडम उसके फोन की फोटो के बारे में पूछने लगता है। बड़ा एडम बताता है कि वह उसकी वाइफ लोरा है और उसकी वाइफ को लेकर वह काफी इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है और एक बार में आता है, जहां पर एली भी होती है। एडम अपनी मोम को देखकर काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। फिर एली एक आदमी से बात करने लगती है, जिसमें वह उसको बताती है कि उसका बेटा उससे लड़ता रहता है। तब बड़ा एडम एली के पास आकर उसको बताता है कि उसका बेटा उससे बहुत प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जताते नहीं लेकिन प्यार करते हैं, यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है।
उससे बात करके एली को काफ़ी अच्छा लगता है। वह उसे देखने के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन तब तक एडम जा चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया टाइम ट्रेवल करके इसी समय में आ गई है। वह अपने रोबोट को एडम को पकड़ने के लिए भेज देती है। इधर दोनों घर पर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ छोटा एडम उससे लोरा के बारे में पूछने लगता है। तब एडम बताता है कि लोरा एक टाइम जंप से वापस नहीं आई, वह 2018 में किसी चीज़ को ढूंढने गई थी, लेकिन माया ने उसको बताया था कि वह एक शिप क्रैश में मारी गई। क्योंकि लोरा एक बेस्ट पायलट थी, उससे कभी गलती हो नहीं सकती, इसी वजह से मुझे 2018 में जाना था, पर मैं गलती से 2022 में आ गया। फिर हमें पता चलता है कि माया कोई और नहीं बल्कि एडम के डेड लुइस की पार्टनर थी। इसी ने आगे चलकर लुइस को धोखा दिया था। बड़ा एडम बताता है कि उनके डेड टाइम मशीन का इन्वेंशन करेंगे और लोरा को मरवाने में उसका हाथ है। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बड़े एडम को कुछ अजीब लगता है, जैसे उनके पास कोई आ रहा है। फिर एडम एक दरवाजे के पास बॉम्ब डाल देता है, तभी वहाँ माया के रोबोट आ जाते हैं और बॉम्ब की वजह से वह सब गायब हो जाते हैं। अब वहाँ और भी रोबोट आ जाते हैं, इस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अब एडम रोबोट से लड़ने लगता है। इसी बीच वह अपनी एक स्वॉर्ड निकालकर उससे वहाँ के सारे रोबोट को मार डालता है। तभी वहाँ माया का एक आदमी क्रिस्टॉक आता है और एडम को सरेंडर करने को कहता है। कुछ देर बाद वहाँ माया भी अपनी शिप के साथ आ जाती है और वह एडम को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन एडम वापस जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि लोरा के मरने की वजह माया है। इसके बाद क्रिस्टॉक एडम को पीटने लगता है। इसी बीच उसकी मदद करने लोरा आ जाती है। इसके बाद एडम और लोरा मिलकर रोबोट को मारने लगते हैं और शिप को डैमेज करके वहां से भाग जाते हैं। फिर लोरा दोनों एडम को लेकर किसी सेफ जगह पर जाने लगती है। वह गाड़ी से जा ही रहे होते हैं तभी इनके पीछे से फिर से माया का शिप आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगता है। अब लोरा गाड़ी को रास्ते से हटाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। वह अपने पीछे पड़े हुए रोबोट को किसी तरह मारकर उन दोनों को एक सेफ जगह लेकर जाती है। अब लोरा एडम को बताती है कि 2018 में कोई गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कौन गया था। इसी का पता लगाने के लिए वह वहां गई थी और वह बताती है कि नवंबर 2018 में एलम के डेड लुइस के टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट, जिसका नाम एडम प्रोजेक्ट था, उसे हरी झंडी मिली थी, यानी कि टाइम ट्रेवल का इन्वेंट तभी हुआ था। उन्हें लगता है कि माया खुद 2018 में अपने यंगर वर्जन को कुछ सलाह देने आई होगी, जिससे वह फ्यूचर के स्टॉक खरीद पाए, उन सभी चीज़ों को रास्ते से हटा पाए जो फ्यूचर में उनका कांटा बनेगी। अब लोरा बताती है कि माया ने ही उसके शिप में बॉम्ब लगा दिया था। सिप से तो वह बच गई, लेकिन 2022 में आकर फंस गई। इसके बाद बड़ा एडम और लोरा एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं और छोटा एडम कमरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद एडम कहता है कि उसे वापस 2018 में जाकर सब कुछ ठीक करना होगा और साथ ही उसे टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से रोकना होगा ताकि वह फ्यूचर को ठीक कर सके। लोरा उसके साथ जाने से मना कर देती है और माया का ध्यान भटकाने के लिए बोलती है। एडम ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि अगर उसने टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने से रोका तो वह फ्यूचर में कभी नहीं मिल पाएंगे, यानी कि उन्हें माया को रोकने की बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन लोरा उसे कहते हैं कि भरोसा रखो, हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टॉक कार लेकर उनकी तरफ आने लगता है। उनके आने से पहले ही लोरा इन दोनों को गाड़ी में बिठाकर शिप की तरफ भेज देती है। एडम ऐसा करते हुए काफी इमोशनल हो जाता है और काफी गुस्सा भी, और फिर लोरा कमरे में आकर गन्स ले लेती है। अब क्रिस्टॉक गाड़ी लेकर लोरा की तरफ आने लगता है, लेकिन लोरा दूर से ही ट्रिगर दबाकर उसकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ एडम छोटे एडम से कहता है कि शिप को चलाने के लिए उसे उसके डीएनए की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बड़ा एडम इस समय जख्मी है। गाड़ी से क्रिस्टॉक किसी तरह बाहर निकलता है। इसके बाद लोरा उस पर गन से फायरिंग करने लगती है। दूसरी तरफ छोटा एडम उससे अपना फ्यूचर पूछने लगता है कि आगे लाइफ में उसके साथ क्या क्या होगा। फिर बड़ा एडम बताता है कि तुम फ्यूचर में बेवकूफी करके अपना करियर खराब कर लोगे और एयरफोर्स ज्वाइन कर लोगे। इसके बाद तुम इस टाइम टेबल शिप में आ जाओगे। इसके बाद तुम्हारे साथ सिर्फ वही होगा जो इस वक्त मेरे साथ हो रहा है, यानी कि तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही होगा। इसके बाद वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक देंगे और टाइम मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। दोनों 2018 में जाकर अपने डेड को ढूंढ लेंगे और उनकी हेल्प लेंगे। वे शिप लेकर वहां से जाने लगते हैं। इधर माया अपने शिप को लेकर लोरा के पास आ जाती है और उसे एडम के बारे में पूछने लगती है। तभी उसे उड़ता हुआ एडम का शिप दिखाई देता है। इसके बाद वह पहले लोरा को मारती हैं और फिर एडम के पीछे लग जाती हैं। वह एडम के शिप के पास जाकर उस पर फायरिंग करने लगती हैं। शिप को किसी तरह पहाड़ी के पास ले जाकर छुपाने लगता है, जिसकी वजह से माया को उसका सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका शिप केवल एक बार ही टाइम ट्रेवल कर सकता है। वह दोनों डिसाइड करते हैं कि जो भी हो वह सब कुछ ठीक करके ही वापस जाएंगे। फिर एडम अपनी शिप को बाहर निकाल कर वहां से दूर जाने लगता है। वह किसी तरह टाइम ट्रेवल वाले वर्म होल को ओपन कर देता है, इससे होकर वे दोनों 2018 में आ जाते हैं। सबसे पहले वह अपने डैड से मिलने यूनिवर्सिटी आते हैं, जहाँ पर वह इस वक्त पढ़ा रहे होते हैं। एडम छोटे एडम से कहता है कि हम डैड को कुछ नहीं बताएंगे, केवल मैं यानी कि बड़ा एडम उनसे बात करेगा। और एडम क्लास रूम में जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वह क्लास खत्म हो जाती है। लुइस एडम को पहचान लेता है कि वह उसका बेटा है। छोटा एडम वहां आकर अपने डैड को गले लगा लेता है क्योंकि वह अपने डैड से बहुत प्यार करता है और प्रेजेंट में उसके डैड जिंदा नहीं है। लुइस समझ जाता है कि वह दोनों टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं। अब छोटा एडम एक एक करके उन्हें सारी बात बताने लगता है। फिर लुइस कहता है कि तुम दोनों ने फ्यूचर से यहाँ आकर के टाइमलाइन को क्रिएट कर दिया है, इससे आने वाले फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा। अब लुइस इनकी कोई भी बात सुनने से साफ मना करने लगता है। वह कहते हैं कि तुम जिस टाइम से यहाँ आए हो वापस चले जाओ। इसके बाद एडम अपने डैड को एक पंच मारता है। बदले में लुइस भी एडम को एक पंच मारता है क्योंकि वह दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे।
इसके बाद एडम उन्हें बताता है कि हमसे पहले माया इस टाइम में आकर टाइम को ऑलरेडी खराब कर चुकी है। फिर वह उन्हें यह भी बता देता है कि आपने ही टाइम ट्रेवल को इन्वेंट किया है। फिर वह एक होटल में जाकर बात करने लगते हैं। तब लुइस बताता है कि हम टाइम को नहीं बदल सकते, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। एडम कहता है कि आपको हमारी मदद करनी ही होगी, लेकिन लुइस हेल्प करने से मना कर देता है और अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम वर्तमान टाइम की माया को देखते हैं, जिससे मिलने फ्यूचर की माया आती है। यंगर माया दूसरी माया को समझाने लगती है कि वह जो कुछ भी कर रही है वह सब गलत है, लेकिन माया कुछ नहीं समझती और उससे कहती है कि एडम आगे चलकर रास्ते का कांटा बनेगा, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। इधर एडम बाहर बैठा अपनी वाइफ लोरा की फोटो देखने लगता है, तभी यहाँ छोटा एडम आता है। इसके बाद वह उसे समझाने लगता है कि लाइफ में फादर की कितनी इंपॉर्टेंस है। वह उसे बताता है कि वह उनके डैड के साथ पहले रोज शाम को वॉलीबॉल खेलते थे, उन्होंने वही दिया जो मैंने उनसे मांगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि इसी टाइमलाइन का एडम घर पर बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है। यहाँ लुइस को अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि असल में उन दोनों एडम को उनकी जरूरत है। इसके बाद वह उनकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ दोनों एडम माया के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते हैं। वो प्लान करते हैं कि वो पूरे हेडक्वार्टर को ही तबाह कर देंगे। फिर एडम और छोटे एडम को अपना बैग दे देता है जिसमें गैजेट होते हैं, और छोटा एडम एक जगह पर बैठकर उन गैजेट में से एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन को उड़ाने लगता है, जिससे वह दूसरे एडम की दूर से ही हेल्प कर पाए। अब बड़ा एडम हेडक्वार्टर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां माया के कुछ रोबोट्स आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी छोटा एडम उन पर ड्रोन से अटैक कर देता है, जिसके बाद बड़ा एडम अपनी स्वॉर्ड लेकर उनसे लड़ने लगता है। इसी बीच उनकी तरफ दो कार आने लगती है। छोटा एडम उनमें से एक कार को ड्रोन से ब्लास्ट कर देता है, लेकिन दूसरी कार बड़े एडम को हिट करने ही वाली होती है। तभी वहां उनके डैड लुइस आ जाते हैं और अपनी कार उन पर ठोक देते हैं, इससे एडम की जान बच जाती है। अब यहाँ लुइस एडम को बताता है कि अगर वो टाइम मशीन के एक्सीलरेटर को तबाह कर देगा तो माया फिर से उसे बना लेगी, लेकिन लुइस ने उसमें पहले से ही एक क्रिस्टल हार्ड ड्राइव लगा रखी थी, यानी कि वह फार्मूला जिससे वार्म होल क्रिएट होता है उस क्रिस्टल हार्ड ड्राइव में होता है, जिसकी मदद से माया कभी भी टाइम मशीन नहीं बना पाएगी। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उस हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे, जिससे फ्यूचर में टाइम मशीन बनेगी ही नहीं। इसके बाद वे दोनों कंट्रोल रूम में जाते हैं। इधर माया अपने शिप में बैठकर छोटे एडम को देख लेती है, जो कि उसी दौरान वहां खेल रहा होता है। दूसरी तरफ लुइस और एडम मशीन के पास जाकर उसे हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहां दोनों माया अपने रोबोट के साथ आ जाती हैं। यहां छोटी माया लुइस से कहती है कि मैंने तुम्हारी रिसर्च पर अपना फंड लगाया, मैं इसे इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब बड़ी माया एडम से वह हार्ड ड्राइव मांगने लगती है, लेकिन एडम उसे देने से साफ मना कर देता है। इसके बाद माया छोटे एडम को लेकर वहां आती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। दूसरी माया यह देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वह एडम को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन एडम ड्राइव को देने के बारे में सोचने को कहता है, लेकिन छोटा एडम को इशारा कर देता है, जिससे नाराज होकर माया गलती से ग्लास को शूट कर देती है। इससे वो मशीन टूटने लगती है और तबाह होने लगती है, और इसके बाद वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बन जाता है, जो मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। वह उन रोबोट को भी अपनी तरफ खींच लेता है। इसी बीच छोटे एडम को एक रोबोट पकड़ लेता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र के कारण पीछे जाकर चिपक जाता है। अब वह बाहर जाने के रास्ते बंद हो चुके थे, इसकी वजह से दोनों माया वहीं फंस जाती हैं। अब लुइस किसी तरह इस मशीन को रोकने की कोशिश करता है। इधर क्रिस्टॉक आकर बड़े एडम को फाइट करने लगता है। फाइट में एडम की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टो एडम पर भारी पड़ने लगता है। छोटा एडम किसी तरह मशीन से अलग होकर दूसरे एडम की स्वॉर्ड को उठा लेता है और उसकी मदद से एक जंप लगाकर बड़े एडम के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो क्रिस्टो का काम तमाम करने जाता है। क्रिस्टो उस पर एक बड़ा पंच मार देता है। इसके बाद बड़ा एडम क्रिस्टो को पीटने लगता है, लेकिन इसी बीच एक लोहे का टुकड़ा आकर क्रिस्टो को हिट कर देता है, जिससे वह टुकड़े के साथ मशीन के अंदर चला जाता है। अब लुइस उन दोनों को बताता है कि एक्सीलेटर बंद नहीं होने वाला है। अब वो यहाँ से जाने लगते हैं, तभी दोनों माया वहाँ आ जाती हैं और फिर से उन पर गन पॉइंट कर देती हैं। फिर बड़ी माया बताती हैं कि उसी ने ही लोरा को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वह उसके रास्ते का कांटा बन रही थी, और अब उसने लोरा को रास्ते से हटा दिया है। अब इस जगह को तबाह होने में सिर्फ एक मिनट ही बाकी था, तभी माया लुइस को शूट कर देती हैं, लेकिन गोली एक्सीलेटर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूमकर छोटी माया को लग जाती है और वह वहीं मर जाती हैं। अब क्योंकि छोटी माया की मौत हो चुकी थी, इस वजह से बड़ी माया भी मारी जाती हैं। अब माया के मर जाने के कारण फ्यूचर माया भी मर जाती हैं, यानी कि उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। इसके बाद वे तीनों हेडक्वार्टर के ब्लास्ट होने से पहले वहां से बाहर आ जाते हैं। अब दोनों एडम टाइम ट्रेवल की गड़बड़ी की वजह से अभी भी कुछ समय के लिए इसी टाइम में होते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर खेलने लगते हैं, जिससे वह इन पलों को यादगार बना सके। एडम इमोशनल हो जाते हैं, वह कुछ समय तक गेम खेलते हैं, लेकिन अपना टाइम पूरा होने की वजह से वे अपने अपने समय में चले जाते हैं। लुइस भी अपने बेटों से मिलकर काफी खुश था। फिर हम देखते हैं कि छोटा एडम अपने उस टाइम में गया है जब उसकी मॉम ऑफिस जा रही थी, यानी कि वह उस टाइम में पहुंच गया था जब सब कुछ शुरू होने वाला था। यहाँ एडम तैयार होकर स्कूल के जाने लगता है, लेकिन उसे फ्यूचर वाले एडम की बात याद आ जाती है, जिस वजह से वह अपनी मॉम को हक करता है, जिससे उसकी मॉम यह देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम फ्यूचर वाले एडम को देखते हैं, जब उसकी मुलाकात पहली बार लोरा से हुई थी। यहाँ एडम अपने क्लासरूम में बैठा था, तभी लोरा वहां आती है, उसके पास बैठ जाती है। इसके बाद एडम फिर से बोलना शुरू कर देता है। एडम की बातें लोरा को काफी अच्छी लगती है। इसके बाद वे दोनों बाहर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।